एगार केबी विद्युत लागी गुणपुर रेंज फुलफुटी बीट अंचल गोटे माई हाथीर मृत्यु घटनास्थल गुणपुर वन विभाग टीम। रायगढ़ जिला गुणपुर रेंजर फुलफुटी बीट रे पुणी एक हाथीर मृत्यु होईछि। गतकाली रात्र 10टा समय रे 11 केबी करंट लागी मृत्यु होइतिबा अनुमान करा जाउछि। आज सकाळे लोकमाने निज निजर कृषि क्षेत्र को जीवा समय रे मृत भावे पड़ितिबा हाथी को देखिथिले। प्रथमे लोके हाथी को देखिया परे वन विभाग एवं करंट विभाग को फोन करथिले। विभाग पहुँचि अधिक अनुसंधान करुछि। तबे लोके एठारे हाथी मृत्यु खबर शुणिया परे समस्त अंचल आदिवासी लोक माने एठारे भिड़ जमिथिला एवं हाथी को हाथी दीर्घ 2 वर्ष हला एठारे 2टी हाथी चलप्रचल करथिले। अनेक अंचल रे मध्य हाथी फसल नष्ट करथिला किंतु कहारी की किछि कहारी उपरे मध्य राग से करुनथिला एवं अनेक समय रे घर भांगिछि फसल मध्य नष्ट करछि। तबे घटनास्थल रे हाथी मृत्यु होइतिबारु एक प्रकार शोक प्रकाश करछन्ति एठाकार लोकमाने। तबे एपटे वन विभाग मध्य कहिछि हाथी घोड़ेबा पई टीम गठन करा जाइछि एवं विभिन्न समय रे हाथी उपरे तीक्ष्ण नजर रखा जाइथिला। गतकाली मध्य हाथीर ए नजर डिविजन को दिया जाइथिबा पद्मपुर फॉरेस्टर कहिथिला बेले गुणपुर वन विभाग एवं घटनास्थल रे पद्मपुर करंट विभाग पहुँचिछि। तबे हाथी काहीं मला एवं कौन पाई मला अधिक अनुसंधान करने आवश्यकता रही हाथी करिडर अंचल रे व्यापक भाव लोक सचेतनता करने सह विद्युत खुंट गुड़िक उच्च सुउच्च करने कथा बोली एठाकार लोक माने कहते। तेब वन विभाग फॉरेस्टर कौन कहते लोकंर प्रतिक्रिया आसतु शुणा। मो नाम हूँ राजकिशोर साबर पद्मपुर फॉरेस्टर। आमर हाथी गतिविधि आमर सब टीम दुईटा लेखे टीम मैनेजमेंट प्लस दुई थर लेखाएं आम रिपोर्ट दिखे डायरेक्ट रिपोर्ट किंतु काली आम सन्धार रिपोर्ट देलापर रात क्या देते रिपोर्ट आम डिजन लेवल छड़ा रिपोर्टा सब बड़े किंतु कल दुखद विषय जे राति एपट आसी इलेक्ट्रिक सक खाइक गोटे माँ हाथीटा मृत्युबरण कला से आम दुखित प्लस आमर पूरा गुणपुर रेंज प्लस रायगढ़ डिविजन टीम टा दुखर अच्छे हाथी गोड़े बा गज साथी बोले गोटे टीम अच्छे मॉनिटरिंग करने दुई दुईटा फॉरेस्टर मध्य चेष्टा करिया सत्ते मध्य रात्रि रे इलेक्ट्रिक सक खाइकी एमती मृत्युबरण कले से दुखित। रायगढ़ प्रतिदिन यूट्यूब चैनल को पुणि थरे स्वागत। आज एक गुरुत्वपूर्ण खबर शुणा जेहेतु गुणपुर रेंज रो फुलपुटी अंचल रे गोटे माई हाथी मृत्यु अभियोग होइछि। एठारे करंट लागि मृत्यु होइथुवा मध्य अभियोग होइछि जेहेतु राति रात्र समय रे खाद्य अनुसरण रे हाथीटी प्रथमे आसिछि यही कुड़िया निकटे प्रथम भांगा रोजा करपर निकटस्थ करंट लाइन रे लगी देखा मिली। तबे ये कुड़िया रे लोक मैंने अच्छा कौन कह आजा हाथीटा कमी प्रथम हाथी कमी मरचे बांगे रात रात कौन कौन थी फसल खाया पलासला तेणुकर बुला बुल किए आई हाथी मला कमी लगुच दुख दुख लगुच हाथी एरिया चलप्रचल हाथीटा आम एरिया भल थी आम भी देखी खुशी होतलु केतरा हाथी थिला हाथी दीटा दीटा हाथी असंती थिले वर्तमान एबे तो गोटा हाथी इमिति आके खाद्य खोज एडा माई हाथी ना अंडरा एडा माई हाथी ना अंडरा त मु भी जान देखिनी माई हाथी के एडा माई हाथी एमि तार खाद्य खागो आसी के एठी लागले 20टा भांगी देले भांगी पुणी जाई सेडी तारटा लागी की हाथीटा गोटे मरि गला गोटा हाथी कोन बोल कोन नै जणा पड़नी किछि हाथी मृत्यु हाथ आम मैंने दुख प्रकाश करूँ जेहेतु आम हाथी को देखुले आमको श्रद्धा लगुला आमको मन खुशी लगुला जेहेतु आम हाथी के देखुन तेणुक आम अंचल बुलू देखे आम खुशी बहुत खुश होलु कि
ମରିଯିବା ହେତୁରୁ ଟିକେ ଆମେ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଏରିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ବୁଲୁଥିଲେ, ଛଅ ଖଣ୍ଡ ହାତୀ ଆସିଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅସତ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପଟ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଚାରି ଜଣ ମରିଗଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚଳୁଥିଲେ, ଗାଁରେ କ୍ଷତି କିଛି କରୁନଥିଲେ, ଚାଲୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ କାଲି ରାତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆସିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଇଏରେ ଆସିକି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସିଥିବେ କାଳେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ସବୁବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ନାଇଁ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପୋଲ୍ ଯାକ ଉଚ୍ଚା କରିବା କଥା, ଟିକେ ହାତୀ କରିଡ଼ର ସେଇଟା ଆଗରୁ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ବି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଚାରି ଥର କରେଣ୍ଟ ଗଲା ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଇଟା ରାତି 10 ସେତିକିରେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ ତ ହାତୀଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। କେତେଟା ସମୟରେ 10 ଶୁଣୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୁଣପୁର ରେଞ୍ଜର, ଗୁଡ଼ାରୀ ରେଞ୍ଜର, ପଦ୍ମପୁର ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ଗୁଣପୁର ଫରେଷ୍ଟର ଏବଂ ସମସ୍ତ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠାରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୁଣପୁର ରେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହାତୀ କରିଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ହାତୀର ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ପାଇଁ ଫୋର୍ସ ମୃତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତେ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ହାତୀକୁ ଯେପରି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଆଜି ଏହିଭଳି ଆସିଥିବାରୁ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିଥିଲା ବେଳେ ଅଧିକ ସଚେତନତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ହାତୀ କରିଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଭାବେ ସୁଉଚ୍ଚ ଖୁଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି।